अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उसामा जमील। वेलकम टू बैक वन अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है कि मुझसे ना रहा नहीं गया। मैं अभी दरबार से आया हूँ, दरबार शरीफ से हाज़िरी दे के दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह का आज उर्स मुबारक था, तो सोचा हाज़िरी दी जाए, जो कि मैं हर वीक जा भी रहा हूँ। खैर, वो अलग टॉपिक है। मैं आज जो हमारे कहते हैं ना शी मेल टिकटॉकर्स, आज मेरा दिल कर रहा है मैं उनकी थोड़ी चित्रोल करूं। मेरे साथ आज इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट ये होता है कि जी मैं वहां पे जा रहा हूं, लाइन में लगा हूं, तो मेरे आगे ना मुझे उसका नाम अच्छी तरीके से याद है, पता नहीं जो जुनैर या कुछ ऐसा जुनैर सा, वो पंजाब कॉलेज की खुसरी है वो अब जनाब मेरे आगे लगे हुए हैं जी। उसने बड़ी बेस वगैरह लगाई, मेकअप शेकअप किया हुआ, और स्पाइस वगैरह उसने काफ़ी जल छल लगा खड़े किए हुए, वही उसकी गंदी आदत, उसने पैंट ऊपर की हुई, नीचे उसने जॉगर्स पहने हुए। अब उसको वहाँ पे धक्के तो पड़ने थे, जाहिर सी बात है, एक तो वह है भी वैसा और ऊपर से वहाँ पे रश बहुत था। तो जनाब अय अल्लाह ओ अल्लाह आउच। अब मैं वहाँ मेरे आगे था वो, मैं अब मैंने उसको पहचान लिया था। मैं तो ज़िंदगी में ना मैंने एक ऐद किया हुआ है कि मुझे जितने भी शी मेल्स ये जो हैं ना, ये जितने बगैरत के बच्चे टिकटॉकर्स ये खुसरे हैं, मुझे जहाँ मिल गए ना चित्रोल इनकी मैंने ऐसी करनी है कि लग पाते जाएं। ठीक है, अब वो जी अब उसकी किस्मत कह लो अच्छी, मेरे वालिद मोहतरम मेरे साथ। अब मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता, वहाँ पर मैं अकेला होता तो कसम से मैं, मेरा फुल माइंड था मैं इसको चपेड़े मारता, इसकी चित्रोल करता, देन वीडियो बनाता। यार लोग फेमस हो रहे हैं कि मैं भी फेमस हो जाता, मुझे भी शौक है फेमस होने का, तो मैं भी फेम हासिल कर लेता, लेकिन चित्रोल मैंने टका के करनी थी। बस उसकी किस्मत अच्छी कि मेरे वालिद मोहतरम मेरे साथ थे, तो मेरा और अंदर चला गया। हमारे हमारे पता है कि हमारी कौम के ऊपर अजाब क्यों आते हैं, हम लोग खुद इसके लायक हैं। वहाँ पे लोग दरबार शरीफ जाते हैं, आप दुआ मांगो, हाज़िरी दो, नमाज़ पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, जो आपने अपना करना अल्लाह के साथ लिंक करना आप लोग करो। वहाँ पे एक टोला आता है मौलवियों का, पता नहीं क्या लोग हैं यार, इतनी इतनी माशाल्लाह दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, सुन्नत इब्राहिमी के सुन्नत रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुताबिक उन्होंने मतलब इमामे शरीफ पहने हुए हैं, और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने ही लोग पैसों के लिए रखे हुए हैं वहाँ पे लोग उनको ऐसे अजीब वो काम, मतलब वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं और लोग वहाँ पे खड़े होकर उनकी मूवियाँ बना रहे हैं कि वो लोग, अब वो लोगों का देखने का रश ज़्यादा हो रहा है वो भी। और यार क्या तुम लोग अजीब, इन लोगों की वजह से हमारे मुल्क पे अजाब आते हैं, ऐसे लोग हैं जो हम जिनकी वजह से अल्लाह हमसे नाराज़ होता है। हाँ हम लोग बहुत गुनाहगार हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई शराब पीता है, कोई जना करता है, सब चीज़ें, लेकिन यार ये चीज़ें जो आप खुद तो गुमराही की तरफ हो ही हो, अगले बंदे को भी आप गुमराही की तरफ लेके जा रहे हो, ये चीज़ें हैं यार। मेरी वीडियो बनाने का मकसद, मैं बहुत फिर पहली जितनी भी पहली वीडियोज है ना, मैं यही कहता हूँ कि मेरी आप वीडियोज़ देखने बहुत गैप बात होती है वीडियो मेरी, अब वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि यार कुछ लोगों में अवेयरनेस आ जाए, कुछ लोगों को शर्म आ जाए, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चलो कुछ वीडियो देखते हैं तो उन्हें लगे कि नहीं यार ये बंदा ठीक कह रहा है, तो चलो इसको थोड़ा अप्रिशिएट किया जाए, और देन मैं ऑब्ज़र्व करूँ और चीज़ों को आपके सामने लेके आऊँ और लोगों को अवेयरनेस दूँ। तो खैर अगर आप लोग चाहते हैं इन लोगों की चित्रोल हो, आप मेरा साथ दें, यकीन करें मुझे ये बंदे। एक इंसिडेंस और भी हुआ, इंसिडेंट ये है कि जी मैं पैकेजेस मोल हूँ तब भी फैमिली के साथ, और वो जी एक फ्लिक वाला खुसरा आता है वो ऐसे करके अच्छा भला लड़का है यार वो, और लेकिन फेम के लिए लाइक्स के लिए खुसरा बन जाता है, उसके कमेंट्स में लाखों गालियाँ लिखी होती, गंदी तरीन गालियाँ लिखी होती हैं। वो मुझे मिला, लेकिन उसकी भी किस्मत अच्छी, मैं अपनी फैमिली के साथ था। ओवर तो मैं बाहर आउटिंग के लिए कम बहुत कम जाता हूँ, ना होने के बराबर जाता हूँ, चला जाऊँ तो इनकी किस्मत अच्छी होती है, ये लोग मिल जाते हैं और मैं अपनी फैमिली के साथ आता हूँ। यकीन करें कसम से आप मेरा साथ दें, जिस दिन ये इनमें से कोई बंदा मुझे अकेला मिल गया ना बाहर, ये मेरी टिकटॉक ये मेरी वीडियो अगर वायरल हो सकती तो वायरल कीजिएगा, उनके तक पहुँचे और उन्हें कहें कि ये शक्ल पहचान ले, इस शक्ल से दूर रहना। जिस दिन ये बंदे मेरे हाथ लग गए, ये जितने भी खुसरे पंजाब कॉलेज के खुसरियाँ अजीब
आऊच आई अल्लाह, मैंने इनको फाड़ के रख देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये बात तो आपको पता है हर वीडियो में लाजमी होती है। सो थैंक यू सो मच।